सो हेलो पोकी फैंस, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार नए रोमांचक से फ्रेश वाले पोकेमोन रेड एडवेंचर चैप्टर के अंदर। हम लोग फिलहाल सैफ्रॉन सिटी के अंदर और सिल्फ कंपनी के सारे मिशंस हो चुके हैं। बहुत बड़ी जर्नी रही हम लोग जब से सिल्फ कंपनी के अंदर घुसे हैं ना, तब से मैंने खाली बाहर का फेज 4-5 देखा रहेगा, लेकिन अभी हम लोग कुछ बोनस चैप्टर्स को भी क्लियर करने वाले। इसके लिए मैं इस घर के पास आया हूँ, और अगर आपने पिछले एपिसोड्स को चेकआउट नहीं किया है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है, जरूर चेकआउट कर लेना। ये है कैरल, और इसको बताना पड़ा कि जोशुआ इज डेड नाउ। और जोशुआ कौन था अगर आपको पता नहीं है, इस आई बटन पर प्रेस करके देख सकते हो ये जोशुआ बंदा कौन है। और उसके साथ साथ अगर आपको एपिसोड पसंद आते हैं तो लाइक कर देना, सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी हम लोग को इस बंदी को ढूंढना पड़ेगा, ये बंदी कहाँ पे है ये चीज़ हम लोग को चेकआउट करनी पड़ेगी। उससे पहले हम लोग हमारे पोकेमॉन्स को काइंड ऑफ रिवाइव कर देते हैं। फिलहाल मैं कुछ पोनस चैप्टर्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने वाला हूँ, उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि वर्डन सिटी जिम के पास चला जाऊँ, क्योंकि अभी वही चीज़ बाकी है। रूट नंबर 10 के पास आ जाते हैं, और यहाँ पे ही हम लोगों को 2 बोनस चैप्टर क्लियर करने पड़े थे। तो ये बोनस चैप्टर का भंडार हो सकता है रूट नंबर 10। यहाँ पे कहाँ पे मिल सकती है जो कैरल करके बंदी है, शायद से यही बंदी है। इसके साथ बात कर लेते हैं। और व्हाट आर यू डूइंग कैरल, स्टे अवे फ्रॉम मी। और स्निप स्निप, ओके रो रही है वो। ओके, तो ऐसे क्यों लग रहा है ये क्लिफ के ऊपर बैठ के क्या करने वाली? मुझे लगता है ये मरने की कोशिश करने वाली, सुसाइड करने की कोशिश करने वाली, और हम लोग को यहाँ पे कन्विंस करना पड़ेगा। शुड आई ट्राई टू रन एंड ग्रैब हर? नो, आई थिंक सो नो, ये पॉसिबल चीज़ नहीं होगी। अगर ये चीज़ करेंगे तो डेफिनेटली वो कूदने की कोशिश करने वाली है। वहाँ पे अगर कैजुअली बताया जाए तो यस आंसर होना चाहिए था, लेकिन हम लोग यहाँ पे नो करेंगे। और क्योंकि यस करने के बाद एक चीज़ होती है, वो जंप मार देती है, तो यहाँ पे आपको नो करना है। और उसके बाद नो करने के बाद हम लोग उसको समझाएंगे कि क्या चीज़ें चलने वाली है, क्या चीज़ नहीं होने वाली है। कंडीशनल चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, या फिर मेरे गेम प्ले से ये चीज़ चेकआउट कर सकते हो। यस करने के बाद भी नो कर सकते हो। वैसे यस के बाद सेव मत करना, सीधा पीछे जाना। और यहाँ पे ब्रोकन बर्ड चैप्टर का अंत हो चुका है, जो ऑलमोस्ट शुरू होने वाले ही खत्म हो गया भाई, मतलब ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया, अभी तो क्या बोल सकते हैं। तो अभी हम लोग सेकंड बोनस चैप्टर की तरफ चलेंगे। पहले मैं जोशुआ की वाइफ मतलब कैरल के पास जाके देखूंगा कि वो कुछ हम लोग को हैंड ओवर करने वाली है नहीं करने वाली, क्योंकि हर एक मिशन होने के बाद हम लोग को काइंड ऑफ एक गिफ्ट मिलता है, हम लोग को काइंड ऑफ एक रिवॉर्ड मिलता है। तो यहाँ पे देखते हैं कुछ रिवॉर्ड हम लोग को मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला। वैसे मेरा रिवॉर्ड तो यही था कि ये बंदी जिंदा है अभी तक, और हम लोग ने उसको अच्छा खासा समझा दिया है। अभी हम लोग नेक्स्ट मिशन की तरफ चलते हैं, उसके लिए हम लोग को इस अंकल के साथ बात करनी पड़ेगी। और हम लोग यहाँ से जाएंगे लेवेंडर टाउन के लिए। ये अंकल बहुत ही अच्छा है, जो हम लोग को अभी तक फ्लाई अटैक करने के लिए मजबूर नहीं कर रहे। वैसे फ्लाई मिला ही नहीं तो करेंगे कैसे। उसके लिए हम लोग पहले यहाँ पे लड़की के पास जाएंगे। इधर से बोनस चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, टू डू यू बिलीव इन गोस्ट? नो। और ये इस बोनस चैप्टर्स को देखने के लिए आपको मेरे गेम प्लेस को फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर आप खुद ये गेम प्लेस खेल रहे हो तो आप खेलना भी चाहते हो, तो उसके लिए मैंने डाउनलोड लिंक दिया है गेम के रूम का डिस्क्रिप्शन के अंदर, जरूर चेकआउट कर लेना। और अगर आपने अभी तक पुराने वीडियोस को चेकआउट नहीं किया है मेरे, तो डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। सारे पोकेमॉन गेम्स के जो लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हुए हैं गेम प्लेस के। और हम लोग यहाँ पे काइंड ऑफ एक सिनेमैटिक्स के अंदर घुस चुके हैं, मुझे सिनेमैटिक्स ही लग रहा है, लेकिन हम लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं पता नहीं। और हम लोग डेफिनेटली नीचे थे पोकेमॉन टावर के। ये 2 कल्टिस्ट बंदे हैं, कल्टिस्ट 1 और कल्टिस्ट 2, जो कुछ ना कुछ तो ब्रिंग बैक टू लाइफ करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी बंदे को जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए ये बंदा बोल रहा है कि अगर हम लोग ऐसे कुछ करेंगे, हम लोग इस रिचुअल को ज़रूर करेंगे, तो हम लोग को कुछ चीज़ों को मतलब गवाना पड़ सकता है। यस डेफिनेटली, अगर आप कुछ बुरी चीज़ें करते हो, डार्क चीज़ें करते हो, तो उसके बाद आपको कुछ ना कुछ तो रिकॉल तो बैठा ही है। तो और इसी के साथ हफ हफ कल्टिस्ट 2 हफ हफ। और हम लोग, ओ भाई ये क्या चल रहा था, ये इसने क्या किया? कल्टिस्ट 2 ट्रेमेंट ट्रेंट होना, ये क्या है भाई? ये मतलब एकदम ही अलग ही लैंग्वेज है, मुझे लगता है कि इस चीज़ से ही रिचुअल सक्सीड हो सकती है। और अभी यहाँ पे एक अलग ही चीज़ पॉपअप हो चुकी है। आई मिस यू सो मच, इट्स मी सैमी योर वाइफ, डोंट यू रिमेंबर सैमी, आई मिस यू, स्निफ स्निफ। सो यहाँ पे खुद के हस्बैंड को रिवाइव करने के लिए यहाँ पे उस बंदी ने उस बंदे का सेक्रीफाइस किया, लेकिन ये उसका बंदा नहीं है, ये कुछ अलग ही चीज़ आई। यहाँ पे एंशिएंट गॉड साइफर है और ये हेल्प मी बुला रही है, तो ये साइफर है जिसको शायद से हम लोग को डिफीट करना पड़ेगा। और ये हम लोग को देख पा रहा है, मतलब सिनेमेटिक्स नहीं है ये हम लोग काइंड ऑफ पास में गए, और पास्ट में जाने के बाद साइफर हम लोग को यहाँ पे काइंड ऑफ देख के मारने की कोशिश ज़रूर करने वाला है। तो साइफर से बात कर लेते हैं। मैं यहाँ पे सोच रहा था नीचे जाके कुछ चीज़ें लेके आनी है, लेकिन यहाँ पे वाइट हैंड है, जो बंदी बोल रही थी हमारे पीछे, जो वाइट हैंड था यही वाला था। और यहाँ पे साइफर भाग रहा है, तो पहले हम लोग भाग रहे थे साइफर से, लेकिन वैसे वाली बात नहीं थी, साइफर सबसे ज़्यादा फट्टू है और साइफर यहाँ से भाग रहा है, तो हम लोग को उसको रोकने की कोशिश करनी पड़ेगी। पहले बताएं आपको, ये जो रिचुअल वाली थिंग थी वो एक्चुअली किसमें थी मालूम है? कि अपने को खुद को हील करने के लिए फायर रेड के अंदर ऐसे रिचुअल वाली थिंग थी, लेकिन यहाँ पे कुछ बुरी चीज़ें पॉपटअप हो रही है।
और हम लोग को एक चीज़ देखनी पड़ेगी, यहाँ पे गैसली पॉपअप हो चुका है, तो ये ड्रॉपलेट्स जो है हम लोग को कहाँ पे तो लेके जाने वाले, वैसे बाहर निकलने नहीं वाला था लेकिन उस स्लाइड पे क्लिक होने के बाद ही ये पॉपअप हो गया। अभी क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे जहाँ पे ड्रॉपलेट्स जा रहे हैं, जहाँ पे ये छज्जे जा रहे हैं, वहाँ पे शायद से वो बंदा मिलने वाला है, लेकिन वहाँ पे वो बंदा है नहीं, तो कहाँ पे ये बंदा, वाइट हैंड यहाँ पे पॉपअप होने वाला है। वैसे आप वाइट हैंड को कैप्चर कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब सॉरी फॉर मतलब जानकारी के लिए बता रहा, फॉर इन्फॉर्मेशन। और देखा जाए तो वाइट हैंड के मूव सेट मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने उसको कैप्चर नहीं किया, आप कैप्चर करके देख सकते हो। ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे फैनमेड पोकेमॉन पड़े हुए हैं और कुछ ओरिजिनल पोकेमॉन्स को भी मुझे अच्छे खासे लेवल अप पे पहुँचाना है, जैसे कि अभी मेरा गैसली हॉन्टर में भी नहीं बना है और यहाँ पे हॉन्टर मिलते जा रहे हैं मेरे को। तो मुझे लगता है कि इस टूम स्टोन पे क्लिक करने के बाद ही सारी चीज़ें हो सकती है, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इस टूम स्टोन पर क्लिक कर करके एटलीस्ट एक्टिवेट कर दूँ कुछ चीज़ों को, और मैं ढूंढ के रिटर्न आ जाता हूँ कि कहाँ पे हम लोगों को कौन से पोजीशन पे खड़ा रहना है और वहाँ से हमारा मिशन जो है स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि इस गेम के अंदर एक पर्टिकुलर पोजीशन पे खड़े हो जाते हो या फिर पर्टिकुलर एरिया के अंदर बात करते हो तभी जाके सारी चीज़ें एक्टिवेट हो जाती है। तो सीधा मिलते हैं हम लोग पॉइंट की तरफ जहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं सीधा साइप्रस। तो बहुत चीज़ें ढूंढने के बाद मुझे कुछ भी नहीं मिला है अभी तक तो, और यहाँ पे क्या पॉपअप हो गया, वाइट हैंड पॉपअप हो चुका है, और यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है, आगे भी कुछ नहीं। ओ यहाँ पे कुछ तो था और एक्सीडेंटली हो गया, मुझे ये चीज़ पता नहीं। तो आपको ड्रॉपलेट के एग्जैक्ट सामने खड़ा रहना पड़ेगा और वहाँ से बातचीत करनी पड़ेगी, और वहाँ से साइपर आएगा, और साइपर आने के बाद हम लोग को उससे बैटल करनी मिल सकती है। यस डेफिनेटली। और ये है बरी अलाइव मैन, और इसका नाम है बरी अलाइव लिखा हुआ है। इसके पास अर्थ मूव हो सकते हैं, यस, लेकिन हमारे बलबा ने इजीली हरा दिया क्योंकि मैं सोच रहा था अगर वो ज़मीन के अंदर है तो उसको अर्थ भी अच्छा खासा इंपैक्ट करेगा, तो एकदम रेड का दिमाग जो रेड ने फर्स्ट एपिसोड के अंदर दिखाया था प्रोफेसर ओक को। तो इसी के साथ वो ट्रांसपोर्ट मी हियर, वो आर यू, आई एम अ वूमन, वो रिवाइव माई हस्बैंड, वो इज ऑल्सो ही मॉन्स्टर यू सॉ जस्ट नाउ। यस, यही वो बंदी थी जिसने अपने हस्बैंड को रिवाइव करने के लिए एक बंदे का सेक्रीफाइस किया था, लेकिन उसका बंदा रिवाइव नहीं हुआ, मॉन्स्टर पॉप आउट हो गया, वो था साइफर द गॉड, और यही था वो बरी अलाइव करके जो मैन था। विद द पावर ऑफ द डार्क गॉड आई वॉज रिबॉर्न इन अनदर फॉर्म, एंड अनदर फॉर्म मीन्स, अनदर फॉर्म मीन्स वॉट, आई एम अ गोस्ट, आई ब्रॉट यू हियर टू शो यू दैट माई हस्बैंड इज स्टिल अलाइव, इज हाइडिंग समवेयर इन द पोकेमॉन टावर, यू नीड टू फाइंड हिम एंड पुट हिम आउट ऑफ हिज मिजरी। तो हम लोग को पोकेमॉन टावर के अंदर घुस के हम लोग फिर से एक बार बाहर आ चुके हैं, वैसे बता रहा हूँ मैं आपको, और थिंग इज स्टिल अलाइव समवेयर इन पोकेमॉन टावर। तो हमारे पोकेमॉन को हम लोग रिवाइव भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल सोच रहा हूँ कि मैं एक प्रॉपर पोजीशन देख लेता हूँ कहाँ पे ये हम लोग को बंदा मिलने वाला है, जो बंदा है जिसको हम लोग को काइंड ऑफ रिवाइव करना है और बाकी चीज़ें करनी है। इस पोकेमॉन टावर में बहुत कुछ चीज़ें देखने, जैसे क्योंकि कोकास के साथ बैटल हुई थी, फिर हम लोग ने कल्ड के साथ बैटल की थी जहाँ पे पोकेमॉन का सेक्रीफाइस दिया जा रहा था, यहाँ पे वो पोकेमॉन का सेक्रीफाइस दे रहे थे वो लोग, तो वो एपिसोड भी चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे है द बरी अलाइव, वैसे मुझे इसको क्या लगा, मतलब ये उड़ने वाला बंदा था, लेकिन बाद में पता चला कि उसके हाथ है और ये ज़मीन पे चलता है। तो अनदर बैटल विद द बरी अलाइव, अर्थ की करके हम लोग को डिफीट करने की कोशिश हम लोग उसको ज़रूर करने वाले हैं, लेकिन ये शैडो बॉल और बाकी चीज़ें करने वाला है जिसका कुछ भी यूज़ नहीं होने वाला। बलबा ने दो बार हरा दिया बरी अलाइव को, मतलब साइफर द गॉड को, और साइफर तो गॉड नहीं बोल सकते लेकिन उसने वैसे ही बोला था तो उस हिसाब से ही होगा, आई न्यू, आई हर्ड समथिंग। और यहाँ पे कुछ अलग ही मिस्टीरियस चीज़ें थी, उस बंदे को ज़रूर यहाँ पे मुक्ति मिल चुकी है, द रिटर्न द बोनस चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होते हुए, और वो चीज़ क्या थी पता नहीं, लेकिन काइंड ऑफ वो मिस्टीरियस पोकेमॉन हो सकता है। और एक यूनोवा के अंदर भी ऐसे कुछ को कैस्केड जैसा पोकेमॉन था, मुझे पता नहीं कौन सा वाला था, इजिप्शियन पोकेमॉन था वो, आपको नाम पता रहेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। अभी हम लोग पोकेमॉन टावर से थोड़ा पीछा छुड़ा देते क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी हमारे आसपास घूम रही है, जब भी पोकेमॉन टावर के अंदर गुस्सा होना मुझे बहुत नेगेटिव लगता है। तो अभी हम लोग सीधा बाहर आ जाएंगे और मैं सोच रहा हूँ पोकेमॉन सेंटर के अंदर जाके पोकेमॉन्स को रिवाइव कर लूँ, और उसके बाद रिवाइव करने के बाद हम लोग नेक्स्ट बोनस चैप्टर के अंदर जाने की ज़रूर कोशिश करने वाले हैं। तो देखते हैं कौन सा नेक्स्ट बोनस चैप्टर होने वाला है जो हमारे लिस्ट में पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी तक हमने दो बोनस चैप्टर किए थे, एक तो हमारा जो अभी स्टार्टिंग में ही हुआ ब्रेकिंग बर्ड, ब्रेक द बर्ड या समथिंग कुछ, और अभी जो था वो था अभी अभी जो किया, यार इस चैप्टर का नाम भूल गया यार मैंने, शर्ट यार मुझे याद नहीं, द रिटर्न। तो यहाँ पे प्रोफेसर ओक से बात कर लेते हैं हम लोग, और प्रोफेसर ओक कुछ चीज़ें बताने वाले। यस यहाँ पे कुछ तो प्रोफेसर ओक फेवर मांग रहे हैं, जिग्लीपफ यू लेट लूज डाउन, ओके, तो हम लोग ने जिस पोकेमॉन्स को पकड़ा था मिसिंग पोकेमॉन्स को, तो उसमें से एक जिग्लीपफ भी था, तो ये स्टार्टिंग ऑफ द एपिसोड्स है तो उसको भी चेकआउट कर सकते हो। कम्प्लीटली प्लेलिस्ट जो है मैंने लिंक में दी के रखी है डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो देख लो गाइस, ऑसम सी जर्नी है पोकेमॉन रेड की, और
यहाँ पे रूट वन के अंदर ये हम लोग को बता रहा है, तो रोड टू द स्टारडम यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। तो जिगलीफ आपको ढूंढना है जो भाग गया है प्रोफेसर ओक से। तो बुड्ढे, तूने उस टाइम पे जो मुझे बुरे वर्ड्स बोले थे वो सेम वर्ड्स मैं तेरे को अभी बोलने वाला हूँ, क्योंकि तू भी एक भी पोकेमॉन संभाल नहीं सकता। तूने उस टाइम पे इतना बुरा बुरा बोला था, मुझे अभी भी याद है यार, बहुत रोना आ रहा था मेरे को। तो यहाँ पे डूडूओज है और इसे बात कर लेते हैं वैसे इस बंदे के साथ। डूडूओज, ओके, ये हम लोग को एक डूडूओ देना चाहता है। यस, शायद से यो गो, ओ नहीं है, हमारे पास इतने सारे पोकेमॉन्स है, ये हम लोग को एक डूडूओ देना चाहता है। तो उसके लिए हम लोग को शायद से पोकेमॉन सेंटर के अंदर जाना पड़ेगा और एक स्पेस खाली करनी पड़ेगी। हमेशा की तरह हो चुका है, मतलब इस गेम के अंदर जब भी मैं कुछ स्टार्ट करने चाहता हूँ कोई ना कोई तो बंदा कुछ पोकेमॉन देना चाहता है, लेकिन वहाँ पे कुछ चीज़ें अलग ही पॉपअप हो जाती है। यहाँ पे जिगलीपफ हम लोग को मिल चुका है रूट नंबर 1 की तरफ और उसने हम लोग को सिंग करके सुला दिया है। तो जिगलीपफ कैप्चर नहीं होना चाहता, तो मेजर थिंग वही है, शायद से जिगलीपफ हम लोग को ज्वाइन कर दे, क्योंकि मुझे जिगलीपफ चाहिए था। और यहाँ पे प्रोफेसर ओक ने कॉल किया हम लोगों को और रूट नंबर 3 की तरफ जो जिगलीपफ हम लोग को मिलने वाला है। तो चलते सीधा रूट नंबर 3 की तरफ और वहाँ पे देखते हैं जिगलीपफ मिलता है कि नहीं मिलता। तो हम लोग पहुँच चुके हैं प्यूटर सिटी में और रूट नंबर 3 पे भी हम लोग पहुँच चुके हैं, जहाँ पे स्लोपोक वाले अंकल अभी भी बैठे अपने स्लोपोक को काम माइंड सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही बुरी चीज़ नहीं है ये, पूरा मेहनत कर रहा है बंदा, शायद से वो इंडिगो प्लेटिन में हम लोग को मिल जाए और उसका स्लोपोक खाली काम माइंड करे जैसे कि टीम रॉकेट के पर्शियंस थे। बहुत ही बुरी चीज़ थी, यहाँ पे जिगलीपफ हम लोग को दिख चुका है, तो उसके साथ थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। और जिगलीपफ हम लोग से अभी बैटल करना चाहता है, क्योंकि वो भी नहीं चाहता हम लोग ज़्यादा देर उसके पीछे पीछे घूमें और वो भी सिंगल अटैक उसके साथ खत्म हो गए रहेंगे। पीपीआर कितने बंदों को सिंग किया रहेंगे उसने। तो जिगलीपफ को यहाँ पे आपको हराना पड़ेगा, उसको आप पोकेबॉल से कैप्चर नहीं कर सकते, जैसे कि हम लोग ने पहले भी किया था ट्राई की प्रोफेसर ओक ने जो भी पोकेमॉन्स दिए थे उसके हिसाब से हम लोग कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो नहीं हो रहे थे। तो यहाँ पे प्रोफेसर ओक आ चुका है, वैसे इसके पास देखे पास इंस्टेंट ट्रांसमिशन है, जब भी हम लोग उसको बुला लेते हैं फटाक से आ जाता है। हम लोग को यहाँ पे पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा घंटे लगे, मतलब ओरिजिनलिटी बोल सकता हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा मिनट तो लगे ही है ना। तो ये बंदा फटाक से आ गया, मतलब ये ऑलमोस्ट ब्रॉक के घर पे चाय पी रहा था ऐसे मुझे लग रहा था। तो यहाँ पे जिगलीपफ चाहता है कि वो खुद की जर्नी करे और वो खुद की जर्नी करके कुछ स्टारडम प्राप्त करना चाहता है। इसके लिए चैप्टर का नाम है स्टारडम टू द स्टारडम और यहाँ पे जिगलीपफ भाग चुका है। तो प्रोफेसर ओक ने उसको ज़रूर छोड़ दिया है। यस, इतनी मेहनत से वो स्टडी करता है बंदा, तो उसको लैंग्वेज तो आती ही रहेगी पोकेमॉन्स की। और प्रोफेसर ओक सबसे फेमस प्रोफेसर है पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड के अंदर। तो इसी के साथ रोड टू द स्टारडम वाला बोनस चैप्टर खत्म हो चुका है। तो आज के एपिसोड में हम लोग ने 3 अलग अलग टाइप के बोनस चैप्टर्स देखे, पहले तो ब्रेकिंग बर्ड, उसके बाद ब्रेक बर्ड जो कुछ था, और उसके बाद रिटर्न, और अभी जो देखा रोड टू द स्टारडम। बहुत ही ऑसम से चैप्टर्स थे, बोनस चैप्टर्स हैं, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इसके अंदर दी हुई है। तो आपको अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा, सजेस्ट करने के लिए कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हो आपको कौन सा गेम प्ले देखना है, वो मैं डेफिनेटली फ्यूचर के अंदर खेलूंगा। और अगर आपको मुझे सपोर्ट करना है, मेरे चैनल को सपोर्ट करना है, तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दीजिएगा, साइड में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी हम लोग हर दिन वीडियोस डालते हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा होगा। प्लीज़ सपोर्ट करो और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑसम से पोकेमॉन रेड एडवेंचर चैप्टर के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा।